नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश कुमार जैन। आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन यानी कि हिंदी में जिसको बोलते हैं मूल्यह्रास या अवक्षण। डेप्रिसिएशन जिसको हिंदी में कहा जाता है अवक्षण या मूल्यह्रास। डेप्रिसिएशन यानी क्या? डेप्रिसिएशन हम किस चीज पे चार्ज करते हैं? बिजनेस में जो हम फिक्स्ड एसेट्स जैसे प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, तो और कोई भी फिक्स्ड एसेट्स जो हम बिजनेस में कंटिन्यू यूज करते हैं, लगातार यूज करते हैं, जिसके हेल्प से हम बिजनेस अपना रन करते हैं, जो हमारे बिजनेस को रन करने में सहायक होती है, ये सभी फिक्स्ड एसेट्स पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। पर डेप्रिसिएशन होता क्या है कि फिक्स्ड एसेट्स को बिजनेस में कंटिन्यू यूज करने के कारण, बिजनेस में फिक्स्ड एसेट्स को कंटिन्यू यूज करने के कारण उनकी वैल्यू में जो कमी आ जाती है, उनकी वैल्यू जो रिड्यूस हो जाती है, उस रिड्यूसिंग वैल्यू को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब मान लीजिए आपने कोई बिजनेस के लिए 1,00,000 रुपए की गाड़ी खरीदी और एक साल बाद क्या उस गाड़ी का वैल्यू 1,00,000 रहेगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको कंटिन्यू यूज करने के कारण उसमें टूट फूट है, मेंटेनेंस खर्चे ये सब भी करने पड़ते हैं, तो टूट फूट के कारण उसकी वैल्यू में जो कमी हो जाती है, यूज करने के कारण जो उसकी वैल्यू में कमी हो जाती है, उस कमी को ही हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब आपने 1,00,000 की गाड़ी खरीदी, एक साल बाद उसका वैल्यू मान लीजिए यूज करने के कारण 80,000 रुपए बचता है, तो 20,000 रुपए क्या हो गया? उसका वो डेप्रिसिएशन हो गया। यानी कि फिक्स्ड एसेट्स को बिजनेस में कंटिन्यू यूज करने के कारण जो उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है, वो एक कमी वाली वैल्यू जिसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब इस चैप्टर को पढ़ने के पहले, इसके कॉन्सेप्ट को समझने के पहले, हमको इसमें जो मेन टर्मिनोलॉजी, जो इसके जो मेन वर्ड यूज होते हैं, उसको हम आज सबसे पहले समझते हैं कि इसमें कौन कौन से मेन मेन वर्ड है जो यूज होते हैं, उनका मीनिंग हमको समझना जरूरी है। तो इसके सबसे जो मेन मेन वर्ड है उसमें सबसे पहला ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, संपत्ति की मूल लागत, अंग्रेजी में ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट, संपत्ति की मूल लागत, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। हम एसेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट किसको बोलेंगे? तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं, तो वो देखिए कि केवल एसेट्स का परचेज प्राइस ही उसकी ओरिजिनल कॉस्ट नहीं होती है, बल्कि हम उसको परचेज करने के बाद उसको लाने का, उसको इंस्टॉल करने का जो भी एक्सपेंसेस करते हैं, वो भी उसमें ऐड होके और उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कैलकुलेट होती है। तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट में उसकी परचेज प्राइस, कि हमने एसेट्स को कितने में परचेज किया, प्लस उसको लाने का कुछ यदि भाड़ा वगैरह हमको लगा है, कैरेज वगैरह, तो वो भी प्लस हो जाएगा एसेट्स को लाने का खर्चा। प्लस लाने के बाद हमने उसको अपने यहां इस्टेब्लिश किया, इंस्टॉल किया, और उसके कुछ खर्चे हो गए इंस्टॉलेशन के, तो वो भी प्लस हो जाते हैं इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। तो ये खर्चे ऐड करने के बाद जो इसका टोटल वैल्यू आएगा, वो ही इसका ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि एसेट को खरीदने के बाद हम उसका कंटिन्यू यूज करते हैं, तो उसके कारण जो मेंटेनेंस खर्चे होते हैं, रिपेयर के खर्चे होते हैं, वो ओरिजिनल कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होंगे। हाँ, इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि यदि आपने कोई ओल्ड मशीन परचेज किया, कोई बिजनेस के लिए ओल्ड व्हीकल परचेज किया,
पुराना मशीन या पुराना व्हीकल कुछ परचेज किया और परचेज करने के बाद इमीडिएट तुरंत आप उसको यूज करने के लायक बनाने के लिए कुछ रिपेयरिंग के खर्चे करते हैं तो वो उसकी कॉस्ट में इंक्लूड होंगे, वो उसकी कॉस्ट में जुड़ जाएंगे। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी हम ओल्ड मशीन या कोई ओल्ड व्हीकल या कोई ओल्ड एसेट्स खरीदते हैं और उसको यूज करने के लायक बनाने के लिए हम उसमें इमीडिएट जो रिपेयरिंग के खर्चे करेंगे वो उसकी कॉस्ट में ऐड होगा। लेकिन उसके बाद जब हम उसको यूज करते जाएंगे तब मेंटेनेंस या रिपेयर के खर्चे जो होंगे यूज करने के कारण वो खर्चे इसकी कॉस्ट प्राइस में कभी भी ऐड नहीं होंगे, ये हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संपत्ति का अनुमानित जीवन काल, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। कि जब हम कोई एसेट खरीदते हैं तो एक एस्टिमेट यानी अंदाज लगाते कि ये एसेट्स कितने साल तक वर्क करेगी, उसकी लाइफ क्या होगी, तो वो एक एस्टिमेटेड लाइफ होती है जिसके बेस पे फिर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं कि भाई ये इतने साल चलेगी तो उतने सालों में डिस्ट्रीब्यूट करके उसका डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। खासकर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड जो होती है उसमें इसका बहुत ज्यादा यूज होता है एस्टिमेटेड लाइफ का। तो एस्टिमेटेड लाइफ यानी कि एसेट कितने वर्षों तक वर्क कर सकती है या करेगी, वो एक अनुमान है, उसी को बोलते हैं एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। नेक्स्ट, स्क्रैप वैल्यू, या हम उसको बोलते हैं रेसिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू और रेसिडुअल वैल्यू ऑफ एसेट। कि संपत्ति का यानी कि एसेट का स्क्रैप वैल्यू, हिंदी में जिसको बोलते हैं अवशिष्ट मूल्य, ये क्या होता है? जब एसेट्स की लाइफ खत्म हो जाती है, उसकी लाइफ एंड हो जाती है, यूजलेस हो जाती है, तो उसको कबाड़ी को या कबाड़ी के भाव जो भी रेट में उसको बेच दिया जाता है लाइफ खत्म होने के बाद, तो उसको बेचने से जो वैल्यू मिल जाती है लाइफ खत्म होने के बाद, उसको बेचने से जो भी पैसा मिल सकता है या मिलेगा वही उसका स्क्रैप वैल्यू या उसका रेसिडुअल वैल्यू कहलाता है। नेक्स्ट, बुक वैल्यू ऑफ एसेट, यानी कि एसेट को हम अपनी अकाउंटिंग बुक्स में क्या रेट पे दिखाए हुए हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करके या कॉस्ट प्राइस पे, तो जो प्राइस पे हमने एसेट को अपनी बुक में दिखाया है अकाउंटिंग बुक्स में, उसी को बोलते हैं बुक वैल्यू ऑफ एसेट। नेक्स्ट, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एसेट, जिसको हम शॉर्ट में WDV बोलते हैं, WDV यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू। तो रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एसेट यानी कि एसेट्स की प्राइस में से, कॉस्ट प्राइस में से हम उसका डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो उसके बाद जो रिमेनिंग बची हुई जो वैल्यू होगी वही उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कहलाती है। यानी कि ये हो गया आपका एसेट्स का जो ओरिजिनल कॉस्ट है, एसेट्स की जो भी ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें से उसका डेप्रिसिएशन हम माइनस कर दें, ओरिजिनल कॉस्ट में से उसका डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो उसके बाद जो वैल्यू बचता है वही वैल्यू कहलाता है रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एसेट।
नेक्स्ट रिप्लेसमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन। तो रिप्लेसमेंट यानी कि जब हम किसी एसेट को हटाकर उसकी जगह कोई दूसरी एसेट लगा देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, संपत्ति का प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। जब एक एसेट को हटाकर दूसरी एसेट को लगा दिया जाता है तो उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट ऑब्सोलिसेंस, ऑब्सोलिसेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं अप्रचलन। ऑब्सोलिसेंस यानी अप्रचलन, ये क्या होता है कि ज्यादातर ये मशीनों में होता है, जैसे नई नई टेक्नोलॉजी की, नई नई टेक्नोलॉजी की प्लांट एंड मशीन जब मार्केट में आते रहती है, जो हमको कम टाइम में कम कॉस्ट में ज्यादा प्रोडक्शन करके देती है, तो हम क्या करते हैं, पुराने मशीनों को हटा के नई मशीन को लगा लेते हैं। तो पुरानी मशीन यूजलेस नहीं हुई है, वो भी वर्क कर रही है, लेकिन नई नई टेक्नोलॉजी की मशीनें आने के कारण हम पुराने को हटा देते हैं, तो उसको बोलते हैं कि पुरानी क्या हो गई, अप्रचलित हो गई। आप लोग देखते होंगे कि पुराने जो कंप्यूटर थे और आज के जो कंप्यूटर, उसकी वर्किंग में देखिए कितना फर्क है, कितने सारी उसमें नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है मोबाइल में। तो हम उसको क्या करते हैं कि पुराने को हटा कर बेच कर वापस नया नए टेक्नोलॉजी वाला खरीद लेते हैं, तो पुराना वाला जो है वो ऑब्सोलिसेंस यानी अप्रचलित हो गया, वो यूजलेस नहीं हुआ, उसका यूज हम कर सकते थे, लेकिन नई टेक्नोलॉजी आने के कारण और वो हमको कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन दे सकती है, कम कॉस्ट का प्रोडक्शन दे सकती है, तो हम नए को यूज करते हैं, पुराने को बेच देते हैं, तो पुराना हमारा अप्रचलित हो गया यानी ऑब्सोलिसेंस हो गया। तो ये दोस्तों इसके कुछ मेन मेन मैंने वर्ड आपको इससे डेप्रिसिएशन चैप्टर से रिलेटेड जो यूज होते रहेंगे वो हमने आपको बताए। अब इस चैप्टर में कि डेप्रिसिएशन चैप्टर में जब हम कोई भी एसेट्स परचेज करते हैं या कोई एसेट्स को सेल करते हैं तो उसकी क्या एंट्रीज की जाती है। जब हम कोई भी एसेट्स को परचेज करते हैं, सेल करते हैं, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तब उसकी क्या एंट्री होती है, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। लेकिन इसके पहले हम इसके जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की क्या क्या इसमें एंट्रीज बनती है, उसको हम पहले पढ़ेंगे अपने इस वीडियो में। जर्नल एंट्रीज, तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम जो एंट्री बनाते हैं जब कोई एसेट्स को परचेज करते हैं, तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी, ऑन परचेजिंग एसेट, यानी कि एसेट्स को परचेज करने पर, जब हम एसेट्स को परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। हम बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे तो टू बैंक, कैश पेमेंट करेंगे तो टू कैश। तो ये एंट्री हो गई एसेट्स को परचेज करने की। एसेट्स हमारी रियल अकाउंट है जिसका रूल है डेबिट और कम्स इन, क्रेडिट और गोस आउट। तो हमने एसेट्स परचेज किया तो एसेट्स हमारे पास आया तो वो डेबिट हुआ। कैश रियल अकाउंट है वो जा रहा है तो क्रेडिट। बैंक पर्सनल अकाउंट है जिसका रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हम यदि बैंक के थ्रू पेमेंट करते हैं तो हमारा पैसा बैंक अकाउंट से जाएगा, तो हमारा बैंक अकाउंट हुआ गिवर, पर्सनल अकाउंट है, और वो गिवर होगा तो उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। तो कैश पेमेंट करेंगे तो टू कैश, और बाई चेक से या बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे तो बैंक अकाउंट। बींग, इसका नरेशन, बींग एसेट परचेज, बींग
एसेट परचेज। तो सबसे पहले हम एसेट्स को परचेज करने की एंट्री को समझे, इसके बाद इसमें हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और जनरली डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, वर्ष के एंड में, जो प्रायः 31 मार्च हो सकता है। तो वर्ष के एंड में जब हम उस पर एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक डेप्रिसिएशन अकाउंट और दूसरा एसेट्स अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है और ये हमारे बिजनेस के लिए डेप्रिसिएशन लॉस है, तो डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है, तो हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जब भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, नॉमिनल अकाउंट है ये, और हमारे बिजनेस के लिए डेप्रिसिएशन लॉस है क्योंकि एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, तो लॉस और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अब यहां पर एसेट अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, तो एसेट रियल अकाउंट है और एसेट डेप्रिशिएट होने के कारण उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो हम ये मानते हैं कि उतने का एसेट हमारा कम हो गया, चले गया, तो डेबिट और कम्स इन, क्रेडिट और गोज आउट, तो उतना एसेट्स का वैल्यू कम हो गया है तो ये गोज आउट मानकर क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी डेप्रिशिएशन के कारण। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग डेप्रिशिएशन चार्ज इसके बाद यदि हम पहले तो बेचने की एंट्री में आपको बताने वाला था, लेकिन उसके पहले कि डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट है और इसको एवरी ईयर क्लोज कर दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके, हम अपने लेजर वाले वीडियो में पढ़े थे क्लोजिंग ऑफ लेजर में कि नॉमिनल अकाउंट जितने भी होते हैं उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्लोज किया जाता है। तो डेप्रिसिएशन जो है नॉमिनल अकाउंट है और इसको क्लोज करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो उसकी एंट्री, इसको क्लोज करने की एंट्री, क्योंकि डेप्रिसिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज कर दिया जाता है, इसका बैलेंस नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर नहीं होता है। तो इसकी जनरल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट पहले डेबिट हुआ अब यहां पर क्रेडिट हुआ, तो डेबिट क्रेडिट बराबर, यानी डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज हो गया और हमने उसको ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको ट्रांसफर करके क्लोज कर दिया। इसके बाद हम यदि मान लो एसेट्स को बेचते हैं, सोल्ड आउट कर देते हैं, तो फर्स्ट वाली एंट्री का रिवर्स, परचेज करते हैं तब एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, और यदि आप उसको सेल करते हैं तो इसका रिवर्स एंट्री, कैश हमारे पास पैसा आएगा सेल करेंगे तो, और बैंक या चेक के थ्रू होगा तो बैंक अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, इसका रिवर्स एंट्री हो गया, इसका रिवर्स एंट्री हो गया क्योंकि एसेट्स हमारा रियल अकाउंट है जा रहा है इसलिए क्रेडिट, और कैश रियल अकाउंट है आ रहा है इसलिए डेबिट, और यदि चेक से पेमेंट आ रहा है या बैंक के थ्रू आ रहा है तो बैंक हमारा रिसीवर होगा, तो पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, तो डेबिट कर देंगे, बीइंग एसेट सोल्ड। जब हम एसेट को बेचते हैं तो उसको बेचने से प्रॉफिट या लॉस भी हो सकता है,
यदि प्रॉफिट या लॉस नहीं है तो फिर उसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी प्रॉफिट या लॉस के लिए। लेकिन यदि हमने एसेट बेची है और उसको बेचने से प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो उसकी एंट्री भी हमको पास करना पड़ेगा। तो उसकी एंट्री भी हम आपको बता देते हैं। नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर फिफ्थ, कि एसेट्स को बेचने से यदि कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो क्या एंट्री बनेगा। तो एसेट्स को बेचने से प्रॉफिट या लॉस की एंट्री, सबसे पहले मान लो हमने एसेट को बेचा और बेचने से प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में किधर आता है, क्रेडिट साइड, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा, इनकम हमेशा क्या होती है क्रेडिट, तो प्रॉफिट भी क्या होगा क्रेडिट, नॉमिनल अकाउंट का रूल है। डेबिट किसको करेंगे हम, तो डेबिट करेंगे एसेट अकाउंट को, एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब दोस्तों आप बोलोगे कि प्रॉफिट एंड एसेट्स अकाउंट हमने डेबिट क्यों किया, तो अब देखिए मान लीजिए कोई एसेट्स है हमारी, ये एसेट्स का डेबिट बैलेंस है 1,00,000 रुपए और हमने इसको बेच दिया 1,25,000 में, ये उसका डेबिट बैलेंस है और हमने बेच दिया, तो बेचते हैं तो हम क्या करते हैं एसेट क्रेडिट, क्रेडिट हो गई 21,25,000। तो अब हमको एसेट्स अकाउंट के डेबिट में लिखना पड़ेगा प्रॉफिट, क्योंकि हमने 25,000 रुपए ज्यादा में बेचा है, तो प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट एसेट्स अकाउंट के डेबिट में आएगा, तभी एसेट्स अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा। एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस होती है, हमने बेचा तो एसेट्स क्रेडिट हो गया। ये देखिए 1,25,000 मान लीजिए हमने सेल किया है, तो 25,000 जो प्रॉफिट है वो हम एसेट अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से, तब हमारा ये इक्वल होता है। तो ये 25,000 प्रॉफिट हमने किधर लिखा, एसेट्स अकाउंट के डेबिट में। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि जितने भी गेन या इनकम होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा, नॉमिनल अकाउंट का रूल कि कोई भी प्रॉफिट या गेन क्रेडिट। नरेशन बी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, और यदि मान लीजिए हमको उसको बेचने से लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ है तो इसका रिवर्स एंट्री, लॉस हुआ है तो इसका रिवर्स एंट्री बना देंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। हमने प्रॉफिट एंड लॉस को शॉर्ट में लिख दिया पीएल, यानी प्रॉफिट एंड लॉस टू एसेट अकाउंट। लॉस हमेशा एसेट अकाउंट के क्रेडिट में आता है, जैसे मान लीजिए ये हमारी 1,00,000 की एसेट्स है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस है 1,00,000 और हमने मान लीजिए इसको सेल किया है, तो एसेट अकाउंट क्रेडिट होता है सेल करते हैं, तो हमने मान लीजिए उसको सेल कर दिया है 95,000 में, तो 5,000 का हमको लॉस हुआ, तो वो लॉस देखिए किधर आएगा, एसेट्स अकाउंट के क्रेडिट में, तभी हमारा एसेट्स अकाउंट क्लोज होगा, बराबर हो जाएगा। तो एसेट्स अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ लॉस की अमाउंट से, तो लॉस के लिए एसेट्स अकाउंट क्रेडिट होगा। तो जर्नल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, बीइंग लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। तो दोस्तों हमने आज डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी और उसकी जर्नल एंट्रीज हमने आज समझी। अगले वीडियो में हम आपको इसकी डेप्रिसिएशन की मेथड्स बताएंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, आप इसको जरूर लाइक कीजिएगा और आगे भी दूसरों के लिए भी ये वीडियो आप आगे भेजिएगा। नमस्कार, जय जिनेंद्र।